प्रदेश के खरगोन में दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई एवं नीमच में एक वर्ग विशेष के नागरिकों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी कर एवं गृह मंत्री को आतंकी की संज्ञा दी गई तथा प्रदेश में वर्ग विशेष द्वारा लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिसके विरोध हिंदू समाज ने गणेश चौपाटी कांच मंदिर से नगर के प्रमुख मार्गों से नारेबाजी करते हुए हिंदू समाज एवं भाजपा नेताओं द्वारा विरोध रैली निकालकर राज्यपाल मंगूबाई पटेल व गृह मंत्री अमित शाह के नाम से ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवांगी जोशी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन करते हुए आशुतोष सोनी ने कहा कि जिस तरीके से आज हिंदू समाज हिंसा का शिकार हो रहा है, उस तरह से हम अपने पर्व त्योहार भी डर के साए में मना रहे हैं। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा हिंदू समाज द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, जिसमें वर्ग विशेष समाज द्वारा यात्रा पर पूर्व नियोजित योजना से पथराव एवं धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर क्षति पहुंचाई गई। वर्ग विशेष के युवाओं की भीड़ में कश्मीर की तर्ज पर नारेबाजी, जिहादियों जैसी भाषा शैली का उपयोग किया गया था। घटना को लेकर हिंदू समाज के विरोध में भारत वर्ष के अंदर होना अत्यंत निंदनीय है। साथ ही प्रशासन द्वारा खरगोन में दंगाइयों पर जो कार्रवाई हुई है, उससे हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई में केवल अतिक्रमण तोड़ा गया, वहीं नीमच में भी वर्ग विशेष समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन के नाम पर प्रदेश के सीएम एवं गृह मंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर आतंकवादी कहकर नारेबाजी भी करना निंदनीय अपराध है। ज्ञापन में कहा कि आखिर कब तक हिंदू अपने देश में अधिकारियों की लड़ाई में अपनी संपत्ति व जान तक गंवाता रहेगा। दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो एवं दोषियों को शासन की लाभकारी योजनाओं से वंचित किया जाए एवं प्रदर्शन पर भी कार्रवाई की जाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक रंजना बघेल, जनपद अध्यक्ष योगेंद्र सिंह मुवेल, रामेश्वर पाटीदार आदि के साथ कई हिंदू संगठनों के लोग शामिल थे। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। मैं छतर सिंह दरबार, सांसद लोकसभा धार मऊ क्षेत्र मध्य प्रदेश। ये जो आप पूछ रहे हो, ये मैंने वीडियो भी देखा कि नीमच में एक संप्रदाय के जुलूस में विरोध प्रदर्शन जो भी कर रहे थे, उसे मैंने वीडियो देखा और सुना। उसमें माननीय मुख्यमंत्री मुर्दाबाद और हमारे गृह मंत्री, आतंकवादी गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। प्रजातंत्र में आंदोलन जुलूस निकालने का अधिकार है, पर इस प्रकार से गृह मंत्री मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना, ये शब्द एक संवैधानिक एक विरोधी शब्द है। और इस प्रकार से गृह मंत्री पे और हमारे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना आतंकवादी शब्द बोलकर, ये एक घोर निंदा का विषय है। इस पे ऐसे नारे लगाने वालों पे, ऐसे शब्द बोलने वालों पे एक कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और इस प्रकार से कि भविष्य में आतंकवादी शब्द का प्रयोग, आतंकवादी शब्द का क्या अर्थ होता है ये लगाने वाले जानते हैं, शायद जानबूझ के ऐसा लगाया जा रहा है। सारा वर्ग खराब नहीं होता है, पर इस प्रकार से जो एक असामाजिक तत्व खुलेआम माइक लेकर नारे लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करते हुए, और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसे प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार है सबको, पर उसकी मर्यादाएं हैं, संवैधानिक अधिकार है, वो ये विषय का अलग है। पर हमारे गृह मंत्री जी को आतंकवादी कहना ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है और इसे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे शब्दों पे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसे रोका जाना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.